फिल्म के स्टार्टिंग में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिस बच्चे का नाम अब्राहम लिंकन था। लिंकन अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। उसके पिता ने बहुत ज़्यादा कर्जा लिया था लोगों से। लिंकन और उसके पिता उसी आदमी के लिए काम करते थे जिससे उन्होंने कर्जा लिया था। उस आदमी का नाम जैक था। जैक बहुत बुरा इंसान था। वो ब्लैक अमेरिकन से गुलामी कराता था, फिर उन्हें लीडर को सौंप देता था। ब्लैक के लीडर का नाम एडम था। फिर एक दिन काम करते समय लिंकन के पिता की बहस जैक से हो जाती है, क्योंकि जैक के आदमी ने उसके बेटे और उसके दोस्त को मारा था। फिर जैक लिंकन के पिता को जॉब से निकाल देता है। फिर वो कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द कर्जा लौटाना पड़ेगा। फिर लिंकन के पिता को गुस्सा आता है और वो पैसे लौटाने से मना कर देते हैं। फिर रात को जब लिंकन के परिवार वाले सो रहे होते हैं, तभी लिंकन अपने घर में जैक को देखता है। जैक उसकी माँ के पास जा रहा था। लिंकन देखता है कि जैक ने उसकी माँ के साथ गलत किया है और वो फिर गायब हो चुका है। फिर उस रात के बाद से लिंकन की माँ की तबीयत बिगड़ने लगती है। वहाँ डॉक्टर भी आते हैं, लेकिन डॉक्टर पता नहीं लगा पाते उस बीमारी का। फिर लिंकन की माँ मर जाती है। फिर लिंकन के पिता समझ जाते हैं कि जैक ने उनकी बीवी को जहर देकर मार दिया है। फिर लिंकन के पिता लिंकन से कहते हैं कि तुम जैक के साथ कुछ भी नहीं करोगे। फिर 9 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। अब लिंकन बड़ा हो चुका था और लिंकन के पिता अब गुजर चुके थे। अब लिंकन जैक को मारने का प्लान बनाता है। फिर रात को लिंकन जैक के यहाँ जाता है। फिर लिंकन जैक के सामने जाता है और उसे गोली मार देता है, लेकिन जैक नहीं मरता। तभी उसका चेहरा बहुत भयानक हो गया था और वो एक राक्षस बन जाता है और वो लिंकन पर हमला करता है। तब लिंकन को पता चलता है कि जैक एक मॉन्स्टर है। तभी वहाँ एक आदमी आता है, वो लिंकन को बचा देता है और जैक को दूर फेंक देता है। फिर वो आदमी लिंकन को अपने घर लाता है। फिर वो आदमी लिंकन से कहता है सुबह कि मेरा नाम हेनरी है, कि मैं एक वैम्पायर हंटर हूँ और मैं लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ वैम्पायर हंटर बनाने की। फिर हेनरी लिंकन से कहता है क्या तुम भी वैम्पायर हंटर बनना चाहते हो। फिर लिंकन हाँ कर देता है उसके साथ काम करने के लिए, क्योंकि लिंकन अपनी माँ का बदला लेना चाहता था। फिर हेनरी लिंकन को वैम्पायर के बारे में बताता है। वो कहता है कि वैम्पायर आईने में नहीं दिखाई देते। वैम्पायर्स की कमजोरी सिल्वर है। वैम्पायर को सिल्वर से मार सकते हैं। फिर हेनरी लिंकन को एडम के बारे में बताता है। एडम वैम्पायर का लीडर है और उसकी एक बहन है। इन दोनों ने ही अमेरिका के लोगों को वैम्पायर बनाया है। वो अपनी आर्मी की मदद से पूरे अमेरिका पर कब्जा करना चाहते हैं। अब लिंकन की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। फिर हेनरी लिंकन को एक शहर में भेजता है। फिर लिंकन एक दुकानदार से मिलता है। फिर वो दुकानदार लिंकन को एक कमरा देता है रहने के लिए और उसे अपनी दुकान में काम भी दे देता है। लिंकन हेनरी को खत लिखता रहता था वैम्पायर की जानकारी देने के लिए। लिंकन सुबह काम करता था अपनी दुकान में और फिर रात को वैम्पायर को मारने चला जाता था। फिर एक दिन लिंकन एक लड़की से मिलता है और उसकी दोस्ती उस लड़की से हो जाती है। अब वो एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। फिर एक दिन हेनरी लिंकन से मिलने आता है। फिर हेनरी लिंकन को एक वॉच देता है। फिर वो लिंकन से कहता है कि जैक को तुम्हारे और तुम्हारी लड़की के बारे में सब पता है। फिर हेनरी लिंकन से कहता है कि तुम्हें जैक को जल्द से जल्द मारना पड़ेगा। फिर लिंकन जैक को मारने जाता है। फिर लिंकन जैक से लड़ाई करता है। फिर लिंकन जैक को बंदूक से उड़ा देता है। फिर जैक मारने के दौरान वो हेनरी के बारे में लिंकन को बता देता है कि हेनरी भी एक वैम्पायर है। फिर लिंकन हेनरी से मिलने जाता है। फिर लिंकन हेनरी को मारता है और उससे सच उगलवाता है। फिर हेनरी अपनी कहानी सुनाता है कि बहुत सालों पहले एडम ने उसे और उसकी पत्नी को काट दिया था। फिर हेनरी वैम्पायर बन गया था और उसकी पत्नी मर चुकी थी, लेकिन हेनरी एडम को नहीं मार सका, क्योंकि एक वैम्पायर दूसरे वैम्पायर को नहीं मार सकता। इसीलिए हेनरी वैम्पायर को मारने के लिए लोगों को वैम्पायर हंटर बना रहा है। सिर्फ इंसान ही वैम्पायर को मार सकते हैं। फिर लिंकन हेनरी की कहानी सुनने के बाद बहुत उदास होता है। फिर लिंकन वैम्पायर हंटर की जॉब छोड़ने का फैसला करता है। इसके बाद एडम जैक की डेड बॉडी को चेक कर रहा था। फिर एडम को जैक के हाथ में एक घड़ी मिलती है। फिर एडम को पता चल चुका था कि लिंकन ही वो वैम्पायर हंटर है जो वैम्पायर को मार रहा है। फिर एडम लिंकन के दोस्त को किडनैप कर देता है ताकि लिंकन वहां आ सके। फिर लिंकन और वो दुकानदार दोनों उस आदमी को बचाने के लिए निकल जाते हैं। फिर वो वहां जाकर देखते हैं एडम्स के वैम्पायर ब्लैक अमेरिकन्स को मारकर उनका खून पी रहे थे। फिर लिंकन दरवाजा तोड़ देता है। फिर वो एडम के वैम्पायर्स को कुल्हाड़ी से मारने लगता है। फिर एडम लिंकन को पकड़ लेता है। फिर एडम लिंकन से कहता है कि तुम हेनरी को मारकर हमारी टीम में शामिल हो जाओ। लिंकन ये ऑफर लेने से इनकार कर देता है। फिर एडम लिंकन के सामने उसके दोस्त को मारने की कोशिश करता है। तभी वो दुकानदार लिंकन की जान बचाने के लिए वहां आता है। फिर वो तीनों घोड़ा गाड़ी पर निकल जाते हैं। फिर लिंकन उस लड़की से शादी कर लेता है जिससे वो प्यार करता था।
फिर लिंकन पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेता है। फिर हेनरी लिंकन से कहता है कि वैम्पायर गुलामों को अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो अगर तुम गुलामी बंद करवा दोगे तो हमारे खाने का क्या होगा। ये सब वो लिंकन से कहता है, लेकिन लिंकन हेनरी की बात नहीं मानता और वो गुलामी के खिलाफ आंदोलन जारी रखने का फैसला करता है। फिर बहुत साल गुजर जाने के बाद अब लिंकन यूएसए का प्रेसिडेंट बन चुका था। फिर इसके बाद अमेरिका की सिविल वॉर शुरू हो जाती है जो यूनाइटेड स्टेट और यूएसए के बीच हो चुकी थी। लिंकन सारे गुलामों को आज़ाद करने का फरमान सुनाता है। फिर एडम की बहन लिंकन के बेटे से मिलने आती है और वो लिंकन के बेटे को काट देती है। फिर लिंकन का बेटा मर जाता है। वहीं एडम अपनी वैम्पायर आर्मी को लड़ाई में भेज देता है और फिर यूएसए के सोल्जर मरने लगते हैं। तभी लिंकन को अपनी घड़ी मिलती है और उसे याद आता है कि वैम्पायर को सिर्फ सिल्वर से मारा जा सकता है। फिर लिंकन सबसे कहता है कि सब अपने घर से चांदी इकट्ठा कर लें ताकि उन्हें पिघला कर सिल्वर के हथियार बनाए जाएं। इसके बाद वो दुकानदार एडम को सारी बातें बता देता है। फिर रात को एडम लिंकन को मारने के लिए जाता है ताकि वो हथियार यूएसए के सोल्जर के पास ना पहुंच सके। फिर रास्ते में एडम को लिंकन की पत्नी मिलती है। फिर एडम वहां से आगे बढ़ जाता है। फिर चलती ट्रेन पर एडम अटैक कर देता है। फिर हेनरी लिंकन से कहता है कि तुम्हारे उस दुकानदार ने तुम्हें धोखा दिया है, उसने एडम को सारी जानकारी बता दी है। फिर यहाँ पर पता चलता है कि एडम को ट्रेन के बारे में बताना वो सब लिंकन का प्लान था ताकि वो हथियार यूएसए के सोल्जर के पास पहुंच सके। फिर लिंकन और उसके दोस्त की लड़ाई एडम और उसके आर्मी के साथ होती है। फिर लिंकन एडम के वैम्पायर को मारने लगता है। फिर एडम की लड़ाई लिंकन के दोस्त के साथ होती है और वो लिंकन के दोस्त को छत से नीचे फेंक देता है। फिर लिंकन अपने दोस्त का हाथ पकड़ता है, तभी एडम लिंकन को काट लेता है। तभी हेनरी आ जाता है। फिर हेनरी एडम को मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एडम की बहन पूरे ब्रिज पर आग लगा रही थी। फिर लड़ाई के समय एडम ट्रेन के अंदर देखता है तो उसे कोई भी सिल्वर नजर नहीं आता। तब उसे पता चलता है ये एक प्लान था और वो इसमें फंस चुका है। फिर वो एडम दुकानदार को काट लेता है। फिर लिंकन अपनी सिल्वर वॉच से एडम को खत्म कर देता है। ब्रिज तक पहुंचने से पहले ही फिर हेनरी लिंकन और उसके दोस्त की जान बचा लेता है। फिर इसके बाद उनकी वाइफ दिखाई देती है जिसने सारे हथियार को आर्मी तक पहुंचा दिया था। वहीं पर लिंकन की पत्नी को एडम की बहन नजर आती है जो लिंकन की वाइफ को वहां मारने के लिए आई थी। फिर लिंकन की पत्नी अपनी गन लेती है। फिर एडम की बहन लिंकन की पत्नी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। फिर लिंकन की पत्नी अपनी सिल्वर चेन से उसकी तरफ गोली मारती है। फिर वो वैम्पायर वहीं पर मर जाती है। इसके बाद हमें यूएसए के सोल्जर नजर आते हैं क्योंकि अब उनके पास सिल्वर हथियार आ चुके थे। अब वो सब वैम्पायर का खात्मा कर रहे थे और यूएसए ये वॉर जीत जाती है। इसके बाद हेनरी लिंकन को वैम्पायर बनने को कहता है ताकि वो दोनों मिलकर सारे वैम्पायर्स का खात्मा कर सकें, लेकिन लिंकन हेनरी को मना कर देता है। फिर रात को हेनरी एक आदमी से मिलता है, आदमी को वैम्पायर हंटर बनने को कहता है और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोज़ देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।